सोमवार को ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश अप्सरा के द्वारा दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देना था, लेकिन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व योगेंद्र कुमार को प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सक्सेना द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के द्वारा ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अप्सरा ने उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से मांग की है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा के द्वारा 5 अगस्त की तारीख कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा शुल्क जमा कराने का आदेश दिया है और वहीं कक्षा 9 एवं कक्षा 11 के छात्र छात्राओं का पंजीकरण शुल्क 25 अगस्त तक जमा करने के आदेश दिए हैं, जबकि सरकार के आदेश अनुसार प्राइवेट स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। पदाधिकारियों ने बताया है कि जब छात्री स्कूल में पढ़ने नहीं आ रहे हैं तो यह कैसे संभव है कि प्रधानाचार्य के द्वारा बोर्ड फीस एवं पंजीकरण शुल्क 5 अगस्त तक बैंक में जमा किया जा सकता है। ज्ञापन के द्वारा उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से बोर्ड परीक्षा शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क की आखिरी तारीख को बढ़ाने की मांग की है। सुरेंद्र कुमार सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अप्सरा उत्तर प्रदेश। आज अप्सरा के द्वारा परम श्रद्धेय उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देने आए थे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व योगेंद्र कुमार जी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के द्वारा शासन प्रशासन से अप्सरा ने मांग करी है कि बोर्ड परीक्षा की आखिरी तारीख माध्यमिक शिक्षा सचिव के द्वारा 5 अगस्त निर्धारित की गई है और कक्षा 9 और कक्षा 11 की पंजीकरण की आखिरी तारीख 25 तारीख निर्धारित की गई है और विद्यालय में प्रवेश लेने की आखिरी तारीख 5 अगस्त निर्धारित की गई है, जबकि विद्यालय 31 जुलाई तक बंद हैं। 31 जुलाई तक जब विद्यालय बंद हैं तो विद्यालय में जब छात्र छात्र ही नहीं आ रहे हैं तो कैसे संभव है कि छात्र छात्राओं की बोर्ड फीस एवं पंजीकरण शुल्क प्रधानाचार्य जमा करवा कर बैंक में जमा कर सकते हैं। इसलिए शासन एवं प्रशासन से छात्रहित में अप्सरा यह मांग करती है कि बोर्ड परीक्षा शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क की तारीख को आगे बढ़ाया जाए और छात्रों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए और प्रवेश तिथि को भी आगे बढ़ाया जाए।